लगेगी। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र पूरे लाभ लश्कर के साथ दाखिल कर दिया। उनका काफिला दोपहर 12 बजे के करीब नथु कॉलोनी फ्लाईओवर के समीप बने कांग्रेस चुनाव मुख्यालय से चलकर दुर्गापुरी लोनी रोड से होते हुए जायसवाल मार्ग से मंडोली रोड, नाथु चौक से नंद नगरी उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विपिन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। लगभग 1 किलोमीटर काफिले में भारी संख्या में वृद्ध, युवा, युवतियां और महिलाएं शामिल थे। सभी में बहुत ही जोश और उत्साह था। श्री विपिन शर्मा के साथ काफिले में खुद विपिन शर्मा के अलावा राजकुमार, सुनील गोस्वामी, ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रधान व सहयोगी थे। इस काफिले में लोग अपने आप वाहनों के साथ शामिल हुए। जगह जगह फूल मालाओं और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर कर स्वागत किया गया और काफिले में शामिल लोगों को मिठाई और समोसे बांटे गए। सबसे पहले सर्वोदय इंटरनेशनल निदेशक बीडी शर्मा ने उनका फूल माला पहना कर स्वागत किया। श्री विपिन शर्मा ने लोगों से आशीर्वाद लिया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील के साथ भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। और पिछले 6-6.5 साल से, जिसके अंदर कुछ टाइम के लिए 1.5 साल केजरीवाल की सरकार रही, फिर टूट गई, फिर 5 साल केजरीवाल की फिर सरकार बनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इतने सालों के अंदर कोई सरकार ने केजरीवाल सरकार ने कोई लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। आज लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है जो हमने 15 साल दिल्ली के विकास के लिए कार्य किया था उसके नाम पर हमें वोट पड़े। झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने जो जो वादे किए थे सब वादों से मुकर गए हैं, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चुनाव से 3 महीने पहले वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन 4.5-5 साल वो सरकार कहाँ थी? लोगों ने, जनता ने वोट 5 साल के लिए दिया था, 3 महीने के जनता ने वोट नहीं दिया था उनको। तो इस बार लोग उनका पर्दाफाश हो चुका है और हम कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है दिल्ली में और हम चुनाव जीत कर आएंगे। अच्छा, किन 3 कामों पे ज़्यादा ध्यान देंगे सबसे पहले जीतते ही? अगर आप देखिए, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, हाँ, अपनी रोहतास नगर विधानसभा में मैं जो अपने काम अधूरे छोड़ के गया था, जो काम मैं सरकारी फंड में देकर गया था, लेकिन वो काम ही अभी तक पूरे नहीं हुए। भाई, फंड हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया उस समय, लेकिन 6-6.5 साल के अंदर वो काम ही नहीं हुए। नए काम की तो बात ही छोड़ दो। मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी 52 नंबर ड्रेन को ढकवाना। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी मानसू पार्क अंडर पास को खुलवाना। वो हमने 2 साइड का बनवाया था, लेकिन 1 साइड चालू हुआ है और 2 समुदाय भवन वेलकम के बन के तैयार हैं, जो मैंने अपने फंड से दिए थे, वो अभी तक तैयार नहीं हुए, अभी तक खुले नहीं हैं, वो चालू कराना। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं छोड़ के गया था। मैं सबसे पहले वो करूँगा कि कांग्रेस दिल्ली में वजूद के लिए चुनाव लड़ रही है कि वजूद बना रहे। भाई, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। हरियाणा में भी कहते थे कांग्रेस की 5 सीटें आई, कितनी सीटें आई। झारखंड में कहते थे सरकार नहीं बनेगी, बनी नहीं बनी सरकार। महाराष्ट्र में कहते थे, तो कांग्रेस पार्टी का अब हर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता लग चुका है। ये मोदी जी झूठे वादे करते हैं और जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल उनसे ही बड़ा झूठा है। तो महाराष्ट्र की तरह का गठबंधन देखने को भी मिल सकता है चुनाव के बाद? नहीं, सरकार बन रही है, हमारा गठबंधन, हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी।